इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखिए, इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो प्रमोटर्स हैं वो लगातार 55% से प्लस में आपको दिखाई दे रहे हैं, 55% से प्लस में है फिलहाल, 55.85 जिसको इन्होंने थोड़े दिन पहले, 3 quarter के पहले बढ़ाया था जबकि वो था 55.73। FII 19% जो कि जून 2020 में थे इस समय 13% है, यानी कि करीब करीब 6% यहां पर FII ने यहां पे अपनी हिस्सेदारी घटाई है। DII जो कि 9% थे वो हो गए 16%, यानी कि एक्सचेंज हुआ किसके किसके बीच में फ्रेंड्स, FII निकले और हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आए और पब्लिक 15% से घट करके 13.79%, यानी कि कंपनी आपके रीच से नहीं होगी। तभी यहां पे देखिए कि यहां पर जो आपके पब्लिक हैं वो कम है, इन कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी भी ज्यादा होती है और इन कंपनियों में जो शेयर के प्राइस होते हैं वो थोड़े महंगे होते हैं, इसलिए आप इस तरह के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे जहां पे 55, 13, 16 और जनता जो है 10 से 12, 15% के बीच में सिमटी होती है। अब मैं आपको एक दूसरी कंपनी का एक आपको दिखाता हूं शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखिए यहां पर प्रमोटर की हिस्सेदारी है केवल 24% लेटेस्ट डेटा के हिसाब से, FII 1.69%, DII 15% और पब्लिक कितने हैं फ्रेंड्स 57%। अब कंपनी को देखने के पहले फ्रेंड्स मैं अभी आपको रीसेंट में इसके देखिए 15% प्रमोटर्स के बाद यहां पे थोड़ा सा यहां पे स्पाइक हुआ है, लेकिन फिर भी ये देखिए नाकाफी है और पब्लिक कितनी ज्यादा है इससे ही आप समझ सकते हैं कि शेयर छोटा होगा, कंपनी में कुछ प्रॉब्लम होगी और एक्सेट्रा काफी सारी नेगेटिव चीज यहां पे होने तय है। अब मैंने इस कंपनी का जिसका कि मैंने आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी दिखाया कि जहां पर कि प्रमोटर्स भी डिसेंट मात्रा में है यानी कि 50% से ज्यादा और उसके बाद DII FII सबका यहां पर स्टेक है, तो सब कुछ यहां पर एकदम ओके है। अब इसका अब आपको मैं फाइनेंशियल्स दिखाता हूं, लास्ट के कुछ क्वार्टर्स को देखिए और आप देखेंगे कि कंपनी अच्छा खासा यहां प्रॉफिट कर रही है, 1268 करोड़, उसके पहले 1171 करोड़। आप मार्जिन देखेंगे तो मार्जिन जो बिजनेस का है वो 15% का है, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 95 करोड़ का है, अगर आप पिछले दिसंबर की बात करेंगे तो वो 128 करोड़ था, यानी कि थोड़ा सा कंपनी दबाव में है, कंपनी दबाव में है आप शेयर होल्डिंग पैटर्न से, लेकिन एक बात तो ये देख रहे हैं कि कंपनी लगातार कंसिस्टेंटली जो है वो प्रॉफिट में है, भले से प्रॉफिट यहां पे कम आया है। एक बार मैं आपको बैलेंस शीट दिखाता हूं, आप इस कंपनी का जिसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न एक अच्छे लेवल पर था उसका आप बैलेंस शीट देखिए, जिसमें कि आपको रिजर्व्स कंपनी के पास 2400 करोड़ रुपए के हैं और लोन्स जो है वो केवल 95 करोड़ रुपए के हैं, कंपनी 3971 करोड़ रुपए की है। अब फ्रेंड्स कंपनी का मैं नाम यहां पे आपको बताने वाला हूं, एस्ट्रल लिमिटेड। एस्ट्रल लिमिटेड पे शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देख सकते हैं कि प्रमोटर FII DII एकदम अच्छे पोजिशन पे आपको मिलते हुए नजर आएंगे, लेकिन पब्लिक आपको कहीं कुछ भी नजर नहीं आएगी। 38,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, 100 के पीई मल्टीपल पे। फ्रेंड्स आपको एशियन पेंट्स याद होगा, एशियन पेंट्स या फिर डीमार्ट आप देखते हैं, ये सारी कंपनियां महंगी ही मिलती हैं। महंगी इसलिए मिलती हैं क्योंकि इन्होंने डिलीवर किया हुआ है और सभी के पोर्टफोलियो में आपको किसी भी लेवल पर या आपको हर एक लेवल पर लोग ऐड करते हैं, तो इन कंपनियों में जब तक कि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी या फिर इनके फंडामेंटल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ये कंपनी का जो आपको पी रेशियो है ना फ्रेंड्स वो 98 से 100 के बीच ही आपको मिलेगा, यानी कंपनियां महंगी हैं इसलिए जनता यहां पे आपको दिखाई नहीं दे रही है। इंडस्ट्री पी देखिए केवल 29 है और उसके अगेंस्ट में ये जो कंपनी है वो 100 के पी मल्टीपल पर मिल रही है, तो यहां पर एक मैटर ऑफ कंसर्न है, लेकिन आप मार्केट क्या करता है कि इन सारी चीजों को इग्नोर करता है। अब फ्रेंड्स उस कंपनी को देखिए जिस कंपनी का मैंने शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाया था जिसमें पब्लिक जो है 50% से ज्यादा थी, सेल्स तो आपको डिसेंट नजर आ रहा है, लगातार कंपनी आपको नुकसान में ही दिख रही है, कभी कभी वो प्रॉफिट में आ जाती है लेकिन वो लगातार कंपनी नुकसान में है। लगातार नुकसान में होने का रीजन फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि कंपनी जो है लोन में है, क्योंकि कंपनी ज्यादातर अपना पैसा जो है प्रॉफिट का ये लोन में दे देती है। आपको मैं बैलेंस शीट दिखाता हूं, उससे भी आप क्लियर हो जाएंगे। अब इस कंपनी का फ्रेंड्स बैलेंस शीट देखिए, कहने को तो ये 10,000 करोड़ रुपए का यहां पे टोटल एसेट्स आपको दिख रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि 4,598 करोड़ रुपए कंपनी को यहां पर चुकाने हैं, 4,598 करोड़ रुपए कंपनी के ऊपर कर्जा है। फ्रेंड्स कंपनी कौन सी है, कंपनी देखिए 14 रुपए पे अवेलेबल है, आप देखेंगे कि शेयर सस्ता है लेकिन शेयर जो है अनलिमिटेड महंगा है, क्योंकि आप इसका पी रेशियो ही कैलकुलेट नहीं कर सकते, यानी कि महंगे से भी महंगा ये शेयर आपको मिल रहा है जहां पर कि सब कुछ नेगेटिव में ही है, तो यहाँ इस तरह की चीजों में पब्लिक जो है फंसती है। जो 14 रुपए 15 रुपए 10 रुपए वाले स्टॉक जो है वो खुजती है, वो काफी ज्यादा उसको महंगे होते हैं एज कंपेयर टू
1500-1600 रुपए का स्टॉक, जो कि वो सोचती है कि ये स्टॉक महंगे है, 4000 रुपए का वो ब्रिटानिया नहीं खरीदेगी, लेकिन 40 रुपए का वही 4000 करके 100 पीस कोई और ऐसा स्टॉक ले लेगी इस तरह के। अब फ्रेंड्स मैं आपको लेकर के आ गया हूं एस्ट्रल के इस चार्ट पर। देखिए ये एस्ट्रल का चार्ट है, एस्ट्रल के चार्ट में आपको मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि रिसेंट में एस्ट्रल ने 1964 रुपए 2000 रुपए का एक हाई लगाया था, एक तरफा तेजी हुई थी और वो जो तेजी हुई थी 1200 रुपए से सीधे जो है ये कंपनी का शेयर जो है आपको 2000 रुपए तक जाते हुए मिला था। 12 सितंबर 2022 तक का ये लेवल है और उसके बाद आप देख सकते हैं कि लगातार गिरावट हुई और ये गिरावट आपको बॉटम बनाते हुए नजर आई। 1398 रुपए का बॉटम यहाँ इस पॉइंट पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बना और इसके बाद जो है एक रेंज यहाँ पर जो है कंसोलिडेशन हुआ और कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्रेकआउट एक सस्टेन करने में यहाँ पे सफल हो रहा है। अब आप देखिए यहाँ पर मैं इस ट्रेंड लाइन को हटा के आपको इसका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दिखाता हूँ। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इस समय स्टॉक का है 1411 रुपए और 1447 रुपए की क्लोजिंग है। फ्रेंड्स ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि EMA जो इसका है वो हो गया 1441 रुपए और 1447 पर क्लोजिंग है और ये अच्छी खासी क्लोजिंग इस समय नजर आ रही है। कल के सत्र में यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर कंपनी ने रेसिस्टेंस दिखाया। अब फ्रेंड्स जो अब ऊपर के लेवल्स है, मैं आपको ऊपर के लेवल्स बताता हूँ। ऊपर के लेवल्स के रेजिस्टेंस जो है 1470 रुपए है, 1470 रुपए के बाद जो रेजिस्टेंस आपको आएगा वो आएगा 1508। तो आपको दो लेवल्स मैंने बताए उसको आप देखिएगा और उसको एक्सपेक्ट करिएगा जरूर, 1470 और 1508। 1470 को अगर सस्टेन करने में यहाँ सफल हुआ है स्टॉक तो 1508 की दौड़ लगाएगा और उसके ऊपर के स्तर भी आपको देखने को मिल सकते हैं। Q4 का रिजल्ट वेटिंग है, Q4 का रिजल्ट अगर अच्छा आ जाता है तो कंपनी इसके ऊपर के लेवल्स जो है आराम से निकाल लेगी। सपोर्ट लेवल वो भी आप देख लीजिए जिधर में आप कंफर्टेबल हो, छोटे सपोर्ट लेवल आप लगाइए इसमें 1390 का छोटा सपोर्ट लेवल है, उसके दूर का लेवल है 1335। ये आप ध्यान रखिएगा, थोड़े बड़े लेवल्स हैं 1390 और 1335 का ये लेवल है। कमजोरी आने पर आपको ये दो लेवल्स दिख सकते हैं, ये टूटने पर ये लेवल्स आपको थोड़े दूर के मैं दे रहा हूँ ये मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर आपको ये बताने की कोशिश की कि शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी कुछ कहती है, शेयर होल्डिंग पैटर्न और साथ में अगर पी रेशियो आप देखें तो बहुत सारे स्टॉक्स जो है महंगे होते हैं और शेयर होल्डिंग पैटर्न से आप समझ में आ सकता है कि जो जहाँ पर इंस्टीट्यूशनल्स होते हैं वो अच्छे खासे महंगे लेवल्स पर भी एंट्री कर लेते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि कंपनियों का भाव क्या है। लेकिन जनता क्या करती है, जनता को 10 रुपये और 15 रुपये वाले स्टॉक चाहिए जहाँ की पी मल्टीपल ही नहीं होता, यानी पी मल्टीपल अगर आप कैलकुलेट ही नहीं कर सकते इसका मतलब है कि आप बहुत ही ज़्यादा महंगा शेयर ले रहे हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखिए 100 के पी मल्टीपल पर एस्ट्रल जैसी कंपनी हो, चाहे वो ब्रिटानिया जैसी कंपनी हो या डी मार्ट जैसी कंपनी हो, आप यहाँ पर ले सकते हैं और उनमें जो है थोड़ा सा प्ले कर सकते हैं, एक सेफ बेट हो जाता है कभी कभी। लेकिन अब इस तरह की कंपनी जैसे बजाज हिंदुस्तान की कंपनी हो, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि भर भर के लोगों ने 50% से ज़्यादा यहाँ पर पब्लिक है तो करेगी क्या उन सब शेयरों का। तो फ्रेंड्स आई होप कि मेरे इस वीडियो में जो बताने का आपको कंटेंट था वो ये था कि एस्ट्रल का पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि आगे का सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है और दूसरी बात महंगा क्यों है। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।